आप नू आंगन देखण वाले सारे भाई बहनों ने गणा गणा राम राम सा। तो आज मैं राजस्थानी थाली बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ और भी के सामान चाहिए की तरीकों बनाई जाएगी क्या के विधि है वो सारो सिस्टम था ना ये वीडियो के द्वारा बताऊंगी। तो जे हमारी वीडियो अच्छे लगे हुआ तो थे लाइक शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करोगा। चलो जी अब देखो थे एक कटोरी चावल लिए हैं और दो तीन पानी में साफ धो लेना है। दो तीन पानी में धो के जिया साफ करांगा तो एक जो चावलों को मांड सो है जिया सफेद पानी सो है वो की है दोनों बिल्कुल मांड है जो अलग हो जाएगा और साफ बिल्कुल साफ चावल हो जाए। कम कम तीन पानी में चावल ने हाथ मसल के धोना है। जो लास्ट को पानी है वो साफ दिख रहा है क्यों धो के एकदम बिल्कुल साफ हो गए हैं। और एक कटोरी चावल लिए हैं तो मैं तीन कटोरी एक अंदर पानी डालूंगी। पानी डाल के गैस के ऊपर उबाल लिए और चावल भी 80% के अंदर बना के तैयार कर लिए हैं। 80% सिझाना है क्योंकि ज़्यादा को आप जीरा राइस बनाऊंगा भी के लिए 80% ही चावल तैयार करना है। तो जीरा राइस तैयार करने के लिए दो चम्मच में घी डाल दियो, एक बड़ी चम्मच जीरो डाल दियो है और कुछ नीम की पत्ती मीठे नीम की पत्ती डाल दी, दो कट्टी बारीक हरी मिर्च डाल दी। तो ये तरीकों जिया जीरा राइस बनाऊंगा तो मैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। जितो स्वाद के अनुसार ही नमक डालना है और जितो मन चावे बिता ही चावल लेके चावल फ्राई करना है। दोबारा खाना हो तो दोबारा भी थोड़ा थोड़ा करके बनाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। एक साथ नहीं बना के जितनो मन करे बितो ही बनाना। जी एक कटोरी में जीरा राइस तैयार कर लिए। अब जो कि राजस्थान का माइनस सब बेस्ट जो कि अपन लाल मिर्च हैं बन में आधी घंटा पहले भिगो दी काट के कैंची हूँ और पानी में भीगने के लिए छोड़ दी। पानी में भीगना हूँ क्योंकि कुछ तो एक बीज हैं वह भी अलग हो जाए और ऊपर जो भी डस्ट एक मिट्टी कुछ भी लगेड़ी हुआ है वह भी एक पानी है जो अलग हो जाए। कई बार पानी मिर्च ने दुपीड़ी तो वहाँ बहुत सारो गंदो सो कालो सो पानी निकले तो धो के बिल्कुल साफ करके मिर्च मिक्सी के जार में डाल दी, एक चम्मच जीरो डाल दियो, स्वाद के अनुसार नमक डाल दियो और एक लहसुन की गांठ की कड़ी है वह भी मैं छील के एक अंदर डाल दी और जितनी मीक मोटी आप जहाँ पीसनी चाहवा भी तरीका मिक्सी में भी दो राउंड लगा लिए और पीस के मिर्चें बिल्कुल तैयार हो गई। एक बड़े प्याली के अंदर मैं जो कि मिर्च पीसी बन चम्मच की सहायता हूँ ये बाउल में निकाल दी। जो देसी मिर्च है जहाँ कच्ची भी खास को और एक ही मिर्च की चटनी बनाओगा तो वह बहुत ही और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो थाना आज एक सरल और आसान तरीका हूँ मिर्च की चटनी बनाने को भी एक तरीको बताऊँ। मिर्च तेल डाल दियो दो चम्मच, गर्म होने के बाद में जीरो डाल दियो, बारीक लंबी कटेड़ी लहसुन की कड़ी हैं वह भी के अंदर तेल में पका ली और मिर्च जो कि मिक्सी के जार में पीसी वह मिर्च जितनी भी खानी चाहो भी थी सारी न करके जिया तीन या चार चम्मच की मिर्च की चटनी तैयार कर ली और मीठा नीम का पत्ता है वह भी के अंदर खुशबू गलिए डाल दिए और इतनी बढ़िया टेस्टी बन के तैयार हुई। राजस्थान में गोरी मोठ हुए तो राजस्थान के गोरी मोठ की कच्ची कच्ची फली तोड़ के
और अन बारीक काट ली। बारीक काटने के बाद में एक बाउल के अंदर इन दो तीन पानियों अच्छे तरीकों दो दो के साफ करके और अलग निकाल दिए। एक जो पेस्ट बनाना है आपा ने वो भी मैं मिर्च पीसने के बाद में भी जार में दो बड़ा प्याज काट के डाल दिए हैं और दो प्याज काटने के बाद में एक टमाटर और दो हरी मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक को है वो भी मैं जार के अंदर ही साथ में पेस्ट तैयार कर लिए। तो जिसकी गोरी मोठ की फली है बाकी सब्जी बनाने खातर पेस्ट तैयार करिए। दो चम्मच तेल गर्म होने के बाद में जीरो डाल दियो और चुटकी भरे हींग डाल दी। बारीक एक प्याज काटेड़ो है वो भी डाल दियो। मीठे नीम की पत्ती है वह भी तेल के अंदर में फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा ब्राउन होने तक प्याज ने आने लहसुन की जगह कलियाँ जो भी डाली हैं वह ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और जो मिक्सी के अंदर पेस्ट तैयार करियो मसालों को प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन जो भी पेस्ट है वो भी के अंदर अच्छे तरीकों में तेल में फ्राई कर ली। और वो पकने के बाद में बारीक जो छोटी फली काटेड़ी वह फली भी तेल में फ्राई दान में डाल के अन भी अच्छे तरीकों में पका लेना। दो मिनट के लिए कच्ची फली पकाऊंगा तो हम लाल मिर्च पाउडर हल्दी स्वाद के अनुसार नमक दाणों और टमाटर जितों भी सारो मसालों डाल दिए है और यह भी एकदम बढ़िया तरीकों पक के तैयार होगी। तो आज राजस्थानी थाली को टेस्ट लेने के लिए चावल गोरी मोठ की सब्जी और मिर्च की चटनी सलाद और चपाती, तो आज ये तरीकों राजस्थानी थाली तैयार करी है और साथ में एक हुए पापड़। खानो खाना के सके पापड़ भी हुए तो और भी टेस्ट और स्वाद बढ़ जाए। थाने मारो वीडियो शौक लगे वो जरूर थे कमेंट के द्वारा बताओगा। थाने मारी राजस्थानी थाली क्या की लगी भाभी थे कमेंट करके बताओगा। और मारो वीडियो मारी रेसिपी थन बढ़िया लगी हो तो लाइक और शेयर करोगा। नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थार तक पहुंच सके। और राजस्थान का देसी देसी तरीके का जगह सब्जी का और जो भी सामान बनने की विधि है वह भी मैं नई नई लेके थार तक पहुँचाने की कोशिश कराँगा। और लियो जी खाणो परोस दियो और थे भी खाओ और मैं करा था रहूं। राम राम और फिर मिला अगले वीडियो के संगे।